इसमें बिल्कुल पूरी तरीके से सब्जी पक चुकी है। अब इसमें हम अपना सारा मसाला डाल देंगे। देखिए मसाला मैंने सारा डाल दिया, इसको एक सेकंड तक ऐसे चलाएंगे। एक सेकंड से ऐसे चलाना है। टमाटर को ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ से अपने प्रेस कर देंगे। आप देखें कितनी अच्छी तरीके से मसाला सारा चीज मिल चुका है। अब ये थोड़ा थोड़ा तेल भी छोड़ने लगा, आप लोग ध्यान से देखना तो दिखाई दे रहा होगा। उसमें हम अब अपना उबला हुआ आलू मैश करके डालेंगे। वो है हाथ से मैश कर लो, किसी भी चीज मैश से मैश कर लो, जैसे आपको अच्छा लगता हो उस तरीके से अपना मैश करके आलू। आलू भी मैंने डाल दिया इसमें। अब बिल्कुल इसे एक सेकंड तक ऐसे चला लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ये मसाला आलू सब जगह मिल जाए अपना आराम से। उसके बाद आप अपने अनुसार जितना आपको चाहिए अपने अनुसार आप पानी डालें। ये मैंने पानी डाल दिया है। ये जो डाठी में मसाला बचा था मेरे प्लेट में, तो मैंने वो सारा मसाला में पानी डाल के उसको लोटे में कर लिया था, तो इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि थोड़ा रेड कलर का पानी आ रहा था। बाकी और मैंने कुछ अलग से नहीं डाला इसमें, अगर आप लोग को लगता हो तो है। बस इतना है, इसको 2 मिनट तक हम पकाएंगे अच्छे से। 2 मिनट बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए।